दोस्तों आपने भूतों की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। भूतों के बारे में आप सभी अलग अलग विचार होंगे। आपने भी कुछ लोग भूतों को मानते होंगे, वहीं कुछ लोग भूतों को नहीं मानते होंगे। पर क्या भूत सही में होते हैं? साइंस और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भूतों को लेकर क्या कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग भूत आखिरकार होते क्या हैं? आइए यही चीज़ हम इस वीडियो में आगे समझेंगे कि भूत क्या होते हैं। दोस्तों आज तक बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने रियल लाइफ में भूतों को देखा है। हो सकता है आपके साथ भी कई बार ऐसे केसेस हुए हों जहाँ आपको लगा हो कि वहाँ पर कोई है और आपको वहाँ कोई नहीं दिखा हो, फिर आपने ये सोचा हो कि शायद वो भूत हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा कोई केस हुआ है तो कमेंट में बताइएगा। पर इन केसेस को लेकर साइंस क्या कहता है? क्या उसके अकॉर्डिंग भूत देखे जा सकते हैं? और भूत देखने के पीछे का साइंस क्या है, ये भी साइंस ने एक्सप्लेन कर रखा है, मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में और जानते हैं। Does ghost really exist? स्वागत है आपका चैनल द नॉलेज मैन पर। चलिए दोस्तों पहले जानते हैं कि साइंस के अकॉर्डिंग भूत क्या होते हैं। दोस्तों कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी हॉन्टेड हाउस में रहें या फिर आप किसी हॉन्टेड प्लेस पर जाएं। दोस्तों कभी आपको आपके घर में ऐसा लगा है कि किसी ने आपका नाम पीछे से पुकारा हो और आपने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था? इनफैक्ट उस समय आपके घर में आपके अलावा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगा कि आपका नाम किसी ने लिया है। या फिर आपको कभी भी ऐसा लगा हो कि आपके पीछे कोई खड़ा है या आपके साइड में कोई खड़ा है, लेकिन आपने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था? या फिर आपको कभी ऐसा लगा हो कि आपको कोई देख रहा है खड़े होकर, लेकिन आपने पीछे मुड़ के देखा तो एग्जैक्टली पिछले बार की तरह यहाँ पर कोई नहीं था? या फिर कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपका डोर किसी ने नॉक किया और आपने वहाँ खोल कर देखा तो कोई नहीं था, बिल्कुल लिटरली आपका पूरा कॉरिडोर खाली था और लेकिन आपको ऐसा लगा कि किसी ने डोर लॉक किया? दोस्तों साइंस इन सब चीज़ों को हेलुसिनेशंस कहता है। साइंस कहता है हेलुसिनेशंस हमारे ब्रेन के क्रिएट किए हुए होते हैं। दोस्तों जैसी आपकी मेंटालिटी होती है आपका ब्रेन आपको वैसी ही चीज़ें दिखाता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी आपने थोड़ी देर पहले एक हॉरर फिल्म देखी तो आपको ऐसे ये हेलुसिनेशंस ज़्यादा होंगे। ये हेलुसिनेशंस की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी जब आप अभी कोई हॉरर फिल्म या हॉरर कोई वीडियो वगैरह देखकर आ रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आपने बहुत दिनों से ऐसा कुछ नहीं देखा तो आपके हेलुसिनेशंस नहीं होंगे। ये हमारे ब्रेन की फंक्शनैलिटी ऐसी होती है। हमारा ब्रेन आपके जैसा आपके दिमाग में थॉट्स होते हैं वैसा ही आपका ब्रेन आपको दिखाता है। तो दोस्तों साइंस के अकॉर्डिंग भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब हमारे ब्रेन का क्रिएट करे हुए हेलुसिनेशंस होते हैं। और जो लोगों को भूत दिखाई देते हैं वो भी यही हेलुसिनेशंस होते हैं। दोस्तों हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और हमारी सोल जो होती है वो एक एनर्जी होती है। दोस्तों यही वजह है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि भूत होते हैं, बिकॉज सोल हमारी जो होती है वो एक एनर्जी होती है और एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं करी जा सकती और क्रिएट भी नहीं करी जा सकती। और दोस्तों वो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर क्लेम होते हैं कि हमने भूत देखा वो फेक होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो होते हैं वो सही भी हो सकते हैं, क्योंकि जो मरे हुए इंसान की आत्मा होती है वो इस धरती पर ही रहती है, तो इस बात के चांसेस हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई आत्मा किसी इंसान को दिखाई दे सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भूत क्या होते हैं। दोस्तों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भूत किसी मरे हुए इंसान की आत्मा होती है जो उसकी अधूरी इच्छा रह जाने के कारण भटकती रहती है, और वो आत्मा आपको वहीं मिलेगी जो उस इंसान से रिलेटेड जो वो जगह होगी, मतलब उसके घर में या उसका कोई ऑफिस वगैरह। उनके अकॉर्डिंग जो भटकती हुई आत्मा होती है वो खाली उसी जगह रहती है जो उस इंसान से रिलेटेड जगह होती है, और वो आत्मा की प्रेजेंस फील कराने के लिए लोगों के सामने आती है या लोगों को दिखाई देती है, और अगर नहीं आती है तो वो कुछ चीज़ें मूव करके, घर का कुछ सामान गिरा के या कहीं कोई आवाज़ करके अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहती है लोगों को। और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भूत इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग भूत होते हैं। वहीं साइंस में कई लोग ये कहते हैं, मैक्सिमम लोग, कि भूत नहीं होते। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि भूत रात को ही क्यों दिखाई देते हैं? इसका सीधा सा जवाब ये है कि रात को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से भूतों को अपनी प्रेजेंस फील कराने में परेशानी नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस जो होते हैं वो भूतों को अपनी प्रेजेंस फील कराने में दिक्कत देते हैं, इसलिए भूत रात को ज़्यादा दिखाई देते हैं दिन के मुकाबले। द घोस्ट ऑफ अब्राहम लिंकन। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन US के 16th प्रेसिडेंट का भूत जो है वो व्हाइट हाउस को हॉन्ट करता है। बहुत सारे लोगों ने अब्राहम लिंकन के भूत को व्हाइट हाउस में देखा है, इंक्लूडिंग विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भी अब्राहम लिंकन के भूत को व्हाइट हाउस में देखा था।
ऐसा माना जाता है कि अब्राहम लिंकन का भूत व्हाइट हाउस हॉन्ट इसलिए करता है क्योंकि उनकी असल में हत्या हो गई थी। 14 अप्रैल 1865 को जब वो वॉशिंगटन DC के फोर्ट थिएटर में अपनी वाइफ के साथ एक प्ले देख रहे थे तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यही वजह होगी कि अब्राहम लिंकन का गोश्त जो है वो व्हाइट हाउस को हॉन्ट करता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि साइंस और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स दोनों ही भूतों को लेकर क्या कहते हैं, दोनों का क्या कहना है भूतों को लेकर। अब ये आपका खुद का एक पर्सनल ओपिनियन है कि भूत होते हैं या नहीं। दोस्तों, हर इंडिविजुअल की अपनी एक खुद की सोच होती है, या आपके ऊपर है कि आप भूतों में विश्वास रखना चाहते हैं या नहीं। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you got some knowledgeable information from this video, then don't forget to like, share this video and subscribe our channel for more informational videos.